सतीश चौधरी है, मैं बी कॉम ऑनर्स किया है फ्रॉम श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ये मेरा प्री का सेकंड था बट मेंस मेरा फर्स्ट था और इंटरव्यू भी मेरा फर्स्ट था। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है और मीडियम इंग्लिश। सर बहुत अच्छा रहा, एक्सपेक्टेशन से 10 नंबर ज़्यादा ही रहा। तो, मतलब बहुत अच्छा इंटरव्यू था, ओवरऑल अच्छा था। सर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा जनरल है, आपके जो भी आपका ऑप्शनल है लाइक एडमिनिस्ट्रेशन उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और जो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड लाइक मेरा बी कॉम ऑनर्स था उससे रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड या फिर सॉफ्ट पावर से रिलेटेड मेरे से क्वेश्चंस थे। सो ये सब था, इससे रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस थे, बिकॉज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही आपका डेफ बनाती है right. या फिर आपका जो भी आपका आप बोले ऑप्शनल था वो आपका डेफ बनाती है, या फिर आपने जो भी हॉबीज भरी हैं वो मतलब वो उस एरिया को क्रॉस नहीं करते। जो भी आपने लिखा है आपको वो पता होना चाहिए। ये मतलब ये एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है कि अगर आपने कुछ भी अपने डेफ में लिखा है यू शुड नो अबाउट इट, यू शुड बी वेल वर्स्ड अबाउट इट। सर सोचना तो कुछ नहीं था, बस सिंपल था कि जो आता है आता है, क्योंकि मुझे पता है जो मुझे पता है, ये बेस्ट पॉलिसी। अगर कुछ नहीं आता तो ऐसा नहीं है कि आप सॉरी कहने में, बिकॉज वो आपकी ऑनेस्टी पे भी आपको जज करेंगे अगर आप सोचें कि आप उनको ब्लफ करेंगे या फिर, ये अच्छी पॉलिसी नहीं है। सो जो मुझे नहीं आता था मैंने सॉरी बोला, और जो मुझे आता था ये ऐसा जनरल टॉक था। मतलब आप बोलें कि एक अच्छे लोगों के साथ, एक अच्छे पढ़े लिखे लोगों के साथ ये एक अच्छा टॉक था। सो ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी थी। सर डेफ प्रिपेयर करते समय मैंने हॉबीज़ का ज़्यादा ध्यान रखा, मेरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस मैंने ज़्यादा ध्यान रखा, देन मैंने मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्शनल था उसका मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा, देन मैं किस एरिया से बिलोंग करता हूँ उसकी हिस्ट्री या दिल्ली से बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको मैंने ध्यान रखा, बस लिमिटेड। सर जो कम आते हैं, मान लीजिए आपको 3-4 पॉइंट पता है तो आप बोर्ड से परमिशन ले सकते हैं कि सर आई हैव सम रफ आइडिया अबाउट इट, कैन आई ट्राई। तो वो बहुत ही मतलब कूल होते हैं। सो वो आपको एक अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वॉट एवर यू नो अबाउट एनी टॉपिक आप उसके बारे में बता दें। सर रिलेटेड क्वेश्चंस थे बिकॉज रिसेंटली जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर की विजिट थी उसमें उन्होंने श्रीलंका के साथ या मालदीव्स के साथ बहुत सारे जैसे कल्चरल टाइज पे ज़्यादा फोकस किया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस थे। तो इतना कुछ प्रिपेयर नहीं करना बिकॉज वहाँ इतना टाइम नहीं मिलता कि आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा एक्सप्लेन करें। मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 30-40 सेकेंड्स ही बोल सकेंगे किसी भी चीज़ के बारे में। सो जनरल आइडिया अगर आपको है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि किसी भी इशू का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होता है या व्हाट इज़ द इशू, सो इतना बहुत है।